दोस्तों, दमयंती ने ब्राह्मण सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं, स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां पहुंच जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझा कर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है, मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर राजा नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा, संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी, अपराध मेरा ही है, वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है, मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती, सत्य क्या है असत्य क्या है यह बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी, ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। यह सोचकर बाहुक ने हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से कहा कि मैं आपके कथानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक ने अश्वशाला में जाकर चार शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए और राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वाशरणे से उसे उठवा मंगवाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से एक योजन आगे निकल आए हैं, अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो, सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के पेड़ को काट कर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया, फल और पत्ते ठीक उतने ही निकले जितने राजा ऋतुपर्ण ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए और राजा ऋतुपर्ण से कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप देना चाहा, तो कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा, आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे शाप दिया था, मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप ना दें, जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया, कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ, वह बहेड़े का वृक्ष ठूंठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हांका और सायंकाल होते न होते वह विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया तो उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। कुंडिनपुर में राजा नल के घोड़े भी रहते थे। रथ की घड़घड़ाहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया
और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है, अवश्य ही इसे हांकने वाले मेरे पति देव है। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसा याद नहीं आती। वे क्षमावान वीर दाता और एक पत्नी व्रती है, उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी।